हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि आप ली टीवी ली वन एस में वॉल्ट ई एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाके मोबाइल नेटवर्क में जाके आपको जियो सिम में जाके एक नया एक्सेस पॉइंट बनाना होगा जिसका नाम होगा IMS। एक्सेस पॉइंट में भी IMS एंड एट लास्ट एक्सेस पॉइंट टाइप होगा IMS, प्रोटोकॉल टाइप IPv6 4 एंड 7 0 एंड आफ्टर डन। आफ्टर दिस यू हैव टू गो टू योर डायलर एंड डायल *#*#3646633 *#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 
ऑप्शन है। IMS खोलने के बाद आप देखोगे कॉमन आएगा, उसके बाद MNCMCC चेक, उसको आप क्या करोगे ऑफ कर दोगे सेट। जैसे ही आप ऑफ करोगे आप देख सकते हो ऊपर नोटिफिकेशन बार में, ये देखिए आप HT का आइकन आ चुका है, इसका मतलब आपके मोबाइल में वोल्ट ही एक्टिवेट हो गया है। लेकिन बहुत ज़रूरी बात है, ये स्टेप आपको हर बार मोबाइल रीस्टार्ट करने के बाद आपको करना होगा, क्योंकि तो इंजीनियर मोड मोबाइल रीस्टार्ट करने के बाद सारा कुछ डिजेबल हो जाता है। और एक और बात, इस ये सिर्फ आपको डेवलपर रोम में ही काम करेगा। डेवलपर रोम डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। आपको मार्शमैलो डेवलपर रोम डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मेरा खुद का बनाया हुआ ऐप चीटी डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चीटी खोलने के बाद आप सर्च ऑप्शन में जाकर आपको सर्च करना होगा LETV1S, देख सकते हो यहाँ पे सर्च आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो लिंक दिया हुआ है मार्शमैलो डाउनलोड करने का और साथ साथ TWRP इंस्टॉल करने का। थैंक यू।